तो फ्रेंड्स गेट रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चंस। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन है 16 दिनों तक, 18 दिनों तक, 15 दिनों तक या 17 दिनों तक। जी हाँ दोस्तों, आपने भी सही गेस किया, ऑप्शन बी 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। दोस्तों अगर आपको पहले से आंसर पता हो तो प्लीज कमेंट कर देना यार। सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अभिमन्यु किसका पुत्र था? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, आई होप आपने कमेंट कर भी दिया होगा बिना ऑप्शन देखे। भीम का, नकुल का, सहदेव का या अर्जुन का? पता है दोस्तों ये बहुत ही इजी सवाल था, आपने कमेंट कर दिया होगा, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट था और आपका भी करेक्ट है। सवाल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध किसने जीता था? आई होप दोस्तों आपको बड़ा हंसी लग रहा होगा कि सर कितना इजी सवाल लाए, पांडवों ने, कौरवों ने या मुगलों ने या फिर कृष्ण ने? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए पांडवों ने। सवाल नंबर 4 में देखते हैं दोस्तों कौन पहले कमेंट करता है, क्योंकि ये सवाल इजी नहीं है। कृष्ण किस वंश के थे? वृष्णि वंश, कुरु वंश, पांडु वंश या कोई नहीं? आई होप दोस्तों आप ऑप्शन डी को सिलेक्ट कीजिएगा, लेकिन ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार के शादी का वर्णन किया गया है? 7, 6, 8 या 4? तो दोस्तों मनुस्मृति में 8 प्रकार के शादियों का वर्णन किया गया। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबका प्रैक्टिस हो और खासकर आपका प्रैक्टिस तो हो ही। सवाल नंबर 6, दुर्योधन की माँ कौन थी? कुंती, गांधारी, द्रौपदी या सुमति? दोस्तों इसका आंसर आप प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। आंसर को कमेंट करने में कंजूसी ना करें दोस्तों, ओके, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, भीम की पत्नी का क्या नाम था? हिडिंबा, गांधारी, कुंती या मोहिनी? ऑप्शन ए हिडिंबा इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 1 काफी इंटरेस्टिंग दोस्तों, आई होप शायद आपको पता भी हो या ना हो तो हो जाएगा पता। महाभारत का नाम पहले क्या था? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। महाभारत, रामायण, जय संहिता या कोई नहीं? तो दोस्तों महाभारत का नाम पहले जय संहिता रखा गया था। सवाल नंबर 8 की तरह सवाल नंबर 9 भी काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। महाभारत कैसा ग्रंथ है? गतिशील, स्थिर, अच्छा या पुराना? यार अगर आपको पता है तो मेरे आंसर का वेट नहीं करना, आपको भी आंसर देने का पूरा पूरा हक है। ऑप्शन है दोस्तों महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को देखकर कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब।